फिलहाल भाई साहब मैं आ चुका हूँ, मैंने रशिया में काफी सारे बोट का था, मैं रशिया में आया, रशिया में आया हूँ। आपको जूम करके दिखाऊं, ये देखो किस तरह से रेत उड़ रहा है भाई साहब, देख रहे हो। अब तो रशियन यहाँ पे इतने रशियन भाई यहाँ पे क्यों है, खासकर किस एरिया में भाई साहब? दो हिप्पी भाई साहब यहाँ पे रोड पे बैठ के दारू पी रहे हैं। वाओ इन गोया। गुड इवनिंग गाइस एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो कैसे हो आप लोग, एक वापस से नए वीडियो और नए सीरीज में स्वागत करता हूँ। फिलहाल भाई साहब मैं आ चुका हूँ, मैंने रशिया में, मेरी रशिया की बात है यार, तो मैं आ चुका हूँ गोवा। मैं आया था भाई साहब रशिया से, और यहाँ पे रशिया से रशियन को स्केम करने के लिए आया था। रशिया से जब यहाँ पर पहुंचा तो यहाँ पर एक रूसी जो भाषा है सारे लोग बोलते हैं, सबको इंडियन लोग भी रशियन बोलते हैं। इंडिया में हुए फिलहाल गोवा में, और मैं अपने होटल में रह रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल, और अंदर नास्तिया भी है, एक रशियन के साथ एक रशियन भी आ चुकी है। नास्तिया वेलकम बैक टू मिनी रशिया। व्हाई फील लाइक यू डोंट लीव रशिया? एवरीबॉडी स्पीक रशियन हियर। हाँ भाई यहाँ पे पूल पार्टी चल रही थी रशियन में, सब मोस्टली रशियन है यहाँ पे। कुछ कल रात को कुछ पार्टी चल रही थी वहाँ पे रशियन में, अनाउंसमेंट वगैरह किया जा रहा था। मैंने कहा ये मैं रशिया में हूँ या कहाँ पर हूँ? थोड़ा रूम थोड़ा सा काफी ज्यादा गंदा हो रखा है, बट ये हमारा रूम है ऐसा दिखता है। मोस्टली नाश्ते का सामान यहाँ पे पड़ा रहता है, मेरा सामान भाई एक कोने में रहता है यहाँ पे, देखो बस ये है रशिया में। हालांकि रशिया से जब आ रहा था मैं, क्या दिखाऊं मैं आपको, मतलब जो रशिया जो नाश्ते का जो प्लेस है वो वोडका के लिए काफी फेमस है। क्लासनिकोव हो गया, रशियन स्टैंडर्ड हो गया, या तो फिर ग्लाजोव वोडका हो गया, ग्लाजोव इसका शहर का नाम है। तो वहाँ पे काफी सारे वोडका है, तो मैं 4-5 बोतल वोडका लेते आया था। हालांकि इसे उसको रख दिया यहाँ पे पीने के लिए, नहीं वो सोवेनियर है वो रशिया से, क्योंकि इसके जगह का था। अब चलता हूँ बाहर और दिखाता हूँ कि बीच पे यहाँ पे जो पास में ही बीच है वहाँ पे जाके देखते हैं क्या है। फिलहाल मैं भी रह रहा हूँ भाई अरम्बोल बीच के पास। तो भाई साहब ये हमारे होटल का यार्ड है, और जरा देखें यहाँ पे आपको भारतीय लोग दिखेंगे ही नहीं, सारे रशियन ही है यहाँ पे। चलो चढ़ा जाए रशियन से, देखते हैं क्या है यहाँ पे। ये भाई साहब कैनाल व्यू है, ये कैनाल दिख रहा है, और उस तरफ ही ओशन है, इंडियन ओशन, भारतीय ओशन। ये लगता है मुझे सी से ही आया है, जितना मुझे समझ में आ रहा है। काफी ग्रीनरी है भाई। और भाई साहब रशिया से आने के बाद यहाँ पे 31 डिग्री सेल्सियस है अभी, और रशिया में -31 -32 था, तो टेम्परेचर डिफरेंस 60 डिग्री का हो रखा है, लाइक वेदर डिफरेंस। तो अच्छा लग रहा है, मतलब ठंडी से इधर गर्मी में आ रहे, जैकेट नहीं पहनना पड़ रहा है, वो नहीं पहनना पड़ रहा है, थोड़ी थोड़ी गर्मी भी लग रही है। हम लोग फाइनली एक यहाँ पे बीच आए, एक्चुअली काइंड ऑफ प्राइवेट पे जिस होटल में रह रहा हूँ, इसका नाम है रीवा भाई साहब। ठीक ठाक मुझे डील मिल गई थी, मैं इसलिए यहाँ पे रहने आ गया था, सस्ती मिल गई एक्चुअली, मैं चेक कर रहा था कोना गोडा। चलो चलता हूँ देखता हूँ यहाँ पे सी में क्या हाल है। तो भाई साहब काफी तेज हवा चल रही है, और वेव भी काफी सही है यहाँ पर, जरा देखो तो वेव क्या सही है। wow. ये क्या लिख रही है, व्हाट इज राइटिंग? नमैद, हाँ नमैद, अच्छा अच्छा नमैद लिख रही है ये, यहाँ पे कुछ ऐसा हिसाब किताब है भाई साहब। और ये आई थिंक इस होटल में रहता हूँ, उसके पास वाला ही बीच है, इसलिए यहाँ पे उतनी जनसंख्या नहीं है। मैं भी जाऊँगा पब्लिक बीच पे, तो वहाँ पे काफी सारे लोग होंगे, काफी जनसंख्या होगी। यहाँ पे कुछ लोग पैराग्लाइडिंग वगैरह भी कर रहे हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो यहाँ पे पैराग्लाइडिंग वगैरह चल रहे हैं, और काफी तेज हवा चल रही है, इसलिए सर्फिंग वगैरह भी कर रहे हैं। कोकोनट है कितने का अंकल? 50 रुपए का देना एक अंकल। आप रसन कहाँ से गए? रसन कहाँ से गया? क्या बात है यार, नारियल दे रहा आप तो मेरे भाई है, कुछ तो कम कर। ये ढोल बजे तबला बजा रहे भाई साहब, मैं वहां पर आया, ये अंकल तबला बजा रहे थे, मैं आ गया अंकल के साथ तबला सुनने के लिए यहाँ पे। ये दोनों पे तबला वगैरह बजा रहे हैं। तो भाई साहब बोस्टन में जाने के लिए तैयार हैं। यहाँ पे भाई साहब उतने लोग हैं नहीं, यहाँ पे देख सकते हो कि अपने मेरे ये बैग मैंने ये रखा हुआ है, और यहाँ पे वेलकम टू इंडियन ओशन, वेलकम टू गोवा, वेलकम टू रशिया, रशियन ओशन, मिनी रशियन ओशन। भाई यहाँ जितनी भी बड़ी निगाहें जा रही है, दूर दूर तक मोस्टली रूसी नागरिक हैं, रूसी टूरिस्ट हैं यहाँ पर। और भाई काफी शानदार वेव चल रहा है आज यहाँ पे, देख रहे हो। और भाई साहब यहाँ पे ना लाइक मोस्टली रशियन, ऐसा नहीं कि यूक्रेनियन है या तो फिर बेलारशियन है, रशिया से मोस्टली है,
और भाई साहब मैंने ये देखी थी कि फ्लाइट चलती है, एरोफ्लोट की डायरेक्ट फ्लाइट है, हालांकि दो तीन एजुर एयर भी चलती है डायरेक्टली मॉस्को से गोवा, मॉस्को से गोवा की चलती है फ्लाइट, जकार्ता से चलती है गोवा की फ्लाइट, बहुत सारे शहर से गोवा की फ्लाइट है। हालांकि मैं फोन से वीडियो बना रहा हूँ तो मैं आपको फोन को अंदर लेके नहीं जाऊंगा, बट आपको दिखा देता हूँ कैसा व्यू दिख रहा है। ये गो इनसाइड, जंप, दबाए दबाए जंप, वाई वेब अच्छा खासा बड़ा है भाई साहब, यहाँ पे देख पा रहे हो ऐसा तो बस कुछ लोग अंदर जा चुके हैं यार, वहाँ पे आपको दिख भी नहीं रहा होगा, दिखा दो चुप करके, ये देखो कुछ लोग अंदर जा रखे हैं। डर नहीं लगता, चलो नहीं लगता उतना भी, वे इधर की तरह पता सबको इधर ही फेंकेगा। तो भाई साहब आ चुके हैं, काफी तेज हवा चल रही थी, जो लाइफ गार्ड भाई साहब जिन्हें बोला जल्दी जल्दी निकलो, हाउ इट वॉज सो विंडी था, दवाई ना रखो भाई, अब काफी तेज हवा चल रही थी। और ये यहाँ पे बीच के पास में एक रेस्टोरेंट वगैरह कुछ खाना पीना है तो खा सकते हो, यहाँ पे जैसे देखो ज्यादा व्हाइट ही दिख रहे हैं, हम पे इंडियन भी यहाँ पर हैं, बट ये अरम्बोल जो एरिया है ना वो व्हाइटों के लिए ज्यादा फेमस है, देख लो वाओ यार लोग यहाँ पर है। चलो चलो घर चलते हैं, चलो अब घर चलते हैं, चलो घर। तो भाई साहब मैं आ चुका हूँ ओशियन से, और यहाँ पे भाई साहब स्विमिंग पूल भी है, जरा आपको स्विमिंग पूल का नजारा दिखाता हूँ, कुछ ऐसा दिख रहा है स्विमिंग पूल, अच्छा खासा बड़ा स्विमिंग पूल है यहाँ पे, बट अगर आप इस यहाँ पे रहने वाले हो तो ठीक है, वरना आपसे 500 रुपये चार्ज करेंगे। और यहाँ पे लोग कुछ अतरंगी डांसे भी कर रहे हैं, अगर आप देख पा रहे होगे तो कुछ लाइक पता नहीं कुछ अलग सा डांस है ये, और ये स्विमिंग पूल है, अगर आपको स्विमिंग वगैरह यहाँ पे करनी है तो लोग स्विमिंग वगैरह यहाँ पे कर रहे हैं। तो चलो चलते हैं, अब चलो चलते हैं स्विमिंग पूल में, कहाँ चलो पूल चलते हैं चलो। तो भाई साहब जो पूल है ना हालांकि माइक लेना पड़ा, बाकी इतनी हवा चल रही है कि बिना माइक के भाई साहब आवाज ही नहीं आएगी, आप देख पा रहे हो कितनी एकदम हवा चल रही है, तेज हवा चल रही है, और क्या मस्त भाई साहब सनसेट हो रहा है यहाँ पे, ये ऐसा व्यू दिख रहा है पूरे आसपास का, लेकिन काफी तेज हवा चल रही है, ये देख सकते हो कि कितनी दूर से हवा आ रही है, जब आपको जूम करके दिखाऊँ, ये देखो किस तरह से रेत उड़ रहा है भाई साहब, देख रहे हो जो भी तरह रेत है काफी उड़ रहा है, और काफी तेज हवा आ रही है, और ना से यहाँ पे फोटो ले रही है, काफी मस्त सनसेट हो रहा है भाई साहब इस चील के। ओह अच्छा, ये कुछ लोग यहाँ सर्फिंग कर रहे हैं, मस्त भाई, हम लोगों ने काफी एकदम आनंद आया, काफी मस्त चल रहा है भाई सर्फिंग, यहाँ करना एकदम काफी इजी है, काफी मस्त जगह है सर्फिंग करने के लिए। बच्चा तुम्हारा क्या नाम है? क्या बात है बच्चा, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा सिस्टर, उसका पता। क्या नाम है तुम्हारा? सजिन जामगन। वाह, तुम्हारा नाम? सजिन जामगन। कहाँ से हो? लद्दाख। लद्दाख से यहाँ घूमने आए हो? हाँ। अच्छा अच्छा। तो भाई साहब मैं अब स्विमिंग वगैरह करके आ गया हूँ, आपको एक मार्केट दिखा देता हूँ, एक फॉरेन मार्केट है, अकेले लाइक लोकल लोगों के लिए नहीं भाई, फॉरेनर्स के लिए, जिस हिसाब से आपको दिखाऊँ ये सब कुछ फॉरेनर्स के लिए हिसाब के हिसाब से बनाया गया है, यहाँ पे सब कुछ फॉरेनर्स के लिए, यहाँ पे लोकल्स के लिए कुछ नहीं है, एवरीथिंग इन रशियन था भाई, देखो भाई साहब रशियन में लिखा हुआ है, ना तू रल ना और भाई हर जगह भाई रशियन में लिखा गया इस पूरे मार्केट में भाई, सही है। गाय माता भी रोड क्रॉस करते हुए, एक्चुअली आज गाय माता को मैंने देखा था वहाँ पर बीच पे भी, वहाँ पे खड़ी थी, सही है भाई साहब, ऐसा लग रहा है कि मैं रशिया में, रशियन भाई साहब बहुत रशियन बात कर रहे हैं एक दूसरे से, रशियन यहाँ पे इतने रशियन भाई यहाँ पे क्यों है, खास करके इस एरिया में, खास करके अरम्बोल वाले एरिया में रूसी से ज्यादा मतलब इंडिया से ज्यादा रशियन लगते हैं यहाँ पे। व्हाट आर यू डूइंग रशियन हियर, गो बैक टू योर कंट्री, नहीं नहीं इतनी इतनी रशिया था रशियन, रशियन ये भी देखो भाई साहब,
इंडियन बाहर रशियन घर इंडियन बाहर ओके दवाई सो सो मी हियर दमासनी बोर्ड का पीपल आर रशियंस आर फाइंडिंग दमासनी बोर्ड का या कल आगे कुछ लोग लोकल बोर्ड का खोज रहे थे तो भाई साहब यहाँ पे खोज रहा था दम रशियन बोर्ड का मिल नहीं रहा ये भाई साहब फोटो खिंचाओ ये है कौन कौन सा बोर्ड का आपके पास उदमुर्त का बोर्ड का दमासनी बोर्ड का नाचते हो दवाई फाइन दमासनी बोर्ड का देखो ये सब ये बहन भी रशियन बोर्ड का खोज रही है रशियन बोर्ड का सही है भाई साहब यहाँ पे इनका और एक्चुअली यहाँ पे इसलिए रशियन यहाँ पे काफी आते हैं भाई साहब क्योंकि यहाँ पे अल्कोहल का जो ना फ्लो काफी इजी है काफी इजी जैसे कि यहाँ पे भी अल्कोहल मिल रहा है पूरा एकदम बियर वगैरह सही है इसलिए यहाँ पे रशियन बहुत सारे बड़े बड़े आते हैं मॉन्स्टर है क्या ये एनर्जी ड्रिंक हो गया बाकी ये फिर किंगफिशर बियर है बडवाइजर अलग अलग टाइप का भाई ऐसा ऐसा कितनी बार होता है अभी कुछ रशियन से बात कर रहा था एंड वेयर आर दे फ्रॉम इसके शहर से मतलब जूलिया के शहर से जहाँ हम लोग दो हफ्ते रहे थे उसी के शहर से था और मैं कहा भाई साहब मैं जैसे पेरेंट्स से ही आ रहा हूँ दे हैव पैरेट विलेज हियर नो इट्स लाइक दिस पैरेट विलेज फॉर एग्जांपल दे सेड एंड दे आर फ्रॉम फॉर एंड दे आस्क मी अबाउट लाइक व्हाई इट वाज वेरी कोल्ड इन पेरेंदा ऐसे यहाँ भाई साहब ठंडी तो थी और मैंने वहाँ पे राशन पानी वगैरह भी यूज किया था मुझे लगा वीडियो दिखा तो पब्लिक लगा हटाओ कोई दिक्कत नहीं है बट काफी राशन मिल गया राशन से और एक्चुअली अरामपुर एरिया में राशन भरे पड़े हैं भाई साहब दो हिप्पी भाई साहब यहाँ पे रोड पे बैठ के दारू पी रहे हैं ये कोई बात हुई रोड के चलो ठीक है रोड के थोड़ा साइड में बट रोड ऑलमोस्ट रोड पे बैठे हुए हैं दोनों ऑफ कोर्स आई नो दे ड्रंक क्यूट हो जीता I will sit and rot. This is our land. Yeah, okay,